आज हम आपको एक ऐसे बदहाल स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जिस स्कूल के लिए बरसात आफत बनकर आती है। नहराधार क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुनर्धार बरसात में तालाब बन जाती है और विद्यार्थी पानी से लबालब भरे कमरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यार्थी कई मर्तबा क्लासरूम में छतरी लेकर बैठते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग स्कूल की इस हालत को देखकर मौन बैठा है। आज हम आपको एक ऐसे बदहाल स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जिस स्कूल के लिए बरसात आफत बनकर आती है। ये तस्वीर नौराधार क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुनर्धार की है, जहां विद्यार्थियों के लिए बरसात किसी बड़ी आफत से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बरसात का सारा पानी स्कूल के कमरों में घुस जाता है और कमरे पानी से लबालब हो जाते हैं और स्वाभाविक है कि छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान क्लासरूम में डेस्क पर बैठना भी छात्रों के लिए मुश्किल हो जाता है। कुछ विद्यार्थी तो बरसात के दौरान क्लासरूम में छतरी लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि टीन से ढकी स्कूल की छत हमेशा टपकती रहती है। विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ बरसात और आंधी के दौरान छत टूटने और उड़ने का खतरा हमेशा बना रहता है और स्कूल परिसर तो जरा सी बारिश के बाद ही भर जाता है। हमारी कक्षा का कमरा है, उसमें थोड़ी सी बारिश होने पर भी बहुत बारिश आती है, जिसके कारण हमारे कपड़े तथा किताबें भीग जाती है और हमें यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हवा आने पर चादर उड़ने का भी खतरा रहता है, इसीलिए हमें यहाँ पर भी अभी बैठना पड़ता है। हमारे कमरे में जब बारिश आती है तो सारा पानी यहाँ कमरे में एकत्रित हो जाता है और हमारे कपड़े तथा बैग गीले हो जाते हैं। यहाँ जब हवा आती है तो चादर उड़ने का भी खतरा रहता है। इस कमरे में बहुत पानी लगता है, हमारे सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, किताबें कॉपियाँ सारी भीग जाती। जब यहाँ पर हवा चलती तो हमें यहाँ बैठने से बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग इस बात से अनजान है। स्कूल प्रबंधन की माने तो इस बारे में कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, मगर इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पुनर्धार के भवन की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। बरसात के दिनों में और भी दिक्कत हो जाती है, सारे कमरे पानी से भर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। बिल्डिंग के भवन के बारे में विभाग को कई बार सूचित कर दिया जा चुका है, परंतु अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। दो कमरों के निर्माण हेतु पैसा भी जारी किया जा चुका है विभाग के द्वारा, परंतु अभी तक उन कमरों का निर्माण भी नहीं हो रहा है। शिक्षा को लेकर हिमाचल सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें पेश आती है तो दावों की पोल खुद ब खुद खुल जाती है। सवाल ये भी है कि क्या ऐसे ही पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा इंडिया। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।